कल्याण के बद्रीपुल पर शुक्रवार की सुबह एक 55 वर्षीय अरुण महाजन नामक व्यक्ति की मोटर बाइक गड्ढे में चले जाने से व्यक्ति बाइक समेत नीचे गिर पड़ा और बाजू से गुजर रहे एक टेम्पो ने अरुण महाजन को इतनी बुरी तरह कुचला कि महाजन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस घटना के कारण गुस्साए नागरिकों ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के युवा जिला कार्याध्यक्ष भारत सोनौने की अगुवाई में MSRDC विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पत्रीपुल चौक पर रास्ता रोको आंदोलन किया। इस मोर्चे में सैकड़ों नागरिक शामिल थे। बता दें कि कल्याण शहर में ब्रिटिश कालीन जमाने में बना पत्रीपुल को सरकार ने बिना किसी नियोजन के तोड़ दिया। यहां पर एक नया पुल बनाने के लिए MSRDC के मंत्री एकनाथ शिंदे ने जनता को आश्वासन दिया था कि 8 महीनों में नया पुल बनाया जाएगा, लेकिन लगभग एक साल का समय बीत चला है, अभी तक 10% भी पुल का काम नहीं हो पाया है। यही वजह है कि नए पुल के निर्माण में हो रही देरी के चलते शहर की यातायात सेवा चरमरा गई है। पूर्व से पश्चिम जाने वाले लोगों को घंटों ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है और MSRDC विभाग के अधिकारी अपने एयर कंडीशन ऑफिस में आराम कर रहे हैं। लगभग बीते एक साल से जनता के दिलों में गुस्से की जो ज्वालामुखी थी वो एक व्यक्ति की मौत के कारण फूट पड़ी। RPI के युवा नेता भारत सोनौने के मार्गदर्शन में समाज सेवक राजू उजगरे, नगर सेवक कुणाल पाटिल, हरि भाले राव, अप्पा काले, राकेश शर्मा, शेखर केदार, योगेश पटेल, राजू खान, मनोज सिंह, धर्मराज गुप्ता, राजेश जायसवाल सहित बड़ी संख्या में लोगों ने MSRDC का खुलकर विरोध किया और आगामी समय में MSRDC के खिलाफ साखली उपोषण करने की चेतावनी भारत सोनौने ने दी है। आकिब शेख, जी वार्ता न्यूज। MSRDC माध्यमातून लवकरच ब्रिज काम नाही झालं, येत्या 15 तारखेनंतर आम्ही साखळी उपोषणला बसणार आहोत। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, किसान रिक्षा चालक मालक संघटना, जनसेवा कल्याण पार्टी, कुणाल गाळे मित्र मंडळ आणि नरसिंग, हां, त्यांचं सुद्धा ह्याच्यात सहकार्य असणार। आणि कल्याण पूर्वेची जनता, त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे नगरसेवक कुणालजी पाटील यांनी सांगितलं आणि की आम्ही जन आंदोलन करू, पण त्याच्या पहिले मी स्वतः आणि माझे सगळे सहकारी साखळी उपोषण पत्रीपूल ब्रिजच्या बाजूला 15 तारखेनंतर आम्हाला कोणत्याही प्रकारचं लेखी आश्वासन त्यांच्या MSRDC माध्यमातून आलेलं नसल तर आम्ही साखळी उपोषण करणार आहोत। अशा सर्व कल्याण पूर्वेचे नेते, कार्यकर्ते, पदाधिकारी हे सगळे आमच्या सोबत आहे आणि आम्ही लवकरात लवकर 15 तारखेनंतर लेखी आश्वासन त्यांचं आलेलं नसलं तर आम्ही साखळी उपोषणला बसणार आहोत। सर्वप्रथम अरुण महाजन काल ज्यांचा ऍक्सिडेंट होऊन मृत्यू झाले त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली देतो सर्व या युवा कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून। आज जो आंदोलन रिपब्लिकन ऑफ इंडिया यांच्या कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून घेतलेला आहे, आज तुम्हाला सांगावं असं वाटतं की खरोखर हे जे प्रशासन आहे MSRDC एकदम नालायक प्रशासन आहे। आज गेल्या वर्षापासून पत्रीपूलचं काम सुरू आहे असं सांगतायत। आम्ही देखील स्वतः पाठपुरावा करतो पण काम शून्य आहे। आज गेल्या काल 2 दिवसापूर्वी जो जीव गेला अरुण महाजन इसम नावाच्या व्यक्तीचा, त्याला कुठेतरी न्याय मिळाला पाहिजे, त्याच्या घरच्यांना भरपाई मिळाली पाहिजे।